जिठानी बड़ी वो है। जरा जल्दी जल्दी चला ले हाथ, ऐसे भी तेरे धोए हुए बर्तनों को तो बार बार धोकर ही लेना पड़ता है मुझे। इतना तो उंगली कोई नहीं करता है जितना आप लोग करते हैं भाभी। अरे इसमें उंगली क्या कर दी मैंने शांति माँ, तू ही बता कितना काम रहता है घर पर, उसमें भी एक एक बर्तन धोकर लेने पड़ते हैं मुझे। रहने दो ना भाभी, ठीक है ना, एक बार झूठे बर्तन तो हटाकर चली जाती है ना ये, वरना कौन धोए इतने बर्तन। ठीक नहीं है छोटी बहू, ठीक नहीं है, आप तो नहीं हो, आपको क्या पता, भाभी की तो आदत है मुझे सुनाते रहने की। हुई होगी भैया से लड़ाई, काम चाहिए पूरा और पैसे बढ़ाने बोलो तो आनाकानी करने लगती है। एक मिनट, ये काम की बात में तूने भैया का नाम कैसे जोड़ दिया? आज मेरा ना लड़ने का मूड नहीं है भाभी, मेरे सर में ऐसे ही दर्द है, व्रत है मेरा, हमारे घर में पूजा है तो मैं तो वैसे भी नहीं आने वाली हूँ। अच्छी तरह अपने हिसाब से बर्तन धो लीजिएगा और उस पर ना अपना चेहरा भी देख लीजिएगा, और अगर इन दो दिनों में कोई अच्छी काम वाली भाई मिल जाए ना तो रख भी लीजिएगा। लो हो गई इनको शांति। अरे शांति माँ तू तो नाराज होगी, मेरा ना वो मतलब नहीं था। और अपनी थैली उठाए शांति माँ दरवाजे से बाहर चली जाती है। अब तो सारा काम मुझ पर आ जाएगा, क्या करूं मैं। मैं कितनी बार आपको इशारे कर रही थी भाभी, पर आप तो लड़ती गई, अगर आपने बहस नहीं की होती ना तो ये कम से कम एक टाइम तो आती। अरे नहीं निशा, ऐसी कोई बात नहीं है, आज ये मूड बनाकर ही आई थी कि छुट्टी मांगेगी, तभी तो खुद लड़ाई करने के बहाने ढूंढ रही थी। खैर जो हुआ सो हुआ, घर में काम ही कितना है, हम दोनों मिलकर कर लेंगे ना, टेंशन ना ले तू। काम वाली तो जा चुकी थी, अब खाना बनाने के साथ साथ बाकी सभी कामों में 50-50 तो होना ही था। अगली सुबह हॉल में बैठी निशा सब्जियां काट रही थी कि तभी वहां गरिमा आती है। आटा गूंथ लिया तूने निशा? नहीं भाभी, मैं ये सब्जियां काट रही हूँ, आप आटा गूंथ लो। वही तो, मैंने तुझे कहा नहीं था कल कि मेरी कलाई में दर्द है, अभी ना मैं ड्रॉअर खोल रही थी, बड़ा टाइट था, उसी में कलाई पूरी मुड़ गई, अब इस हाथ से मैं आटा कैसे गूंथूं, बहुत काम है बाबा, इतना सब कैसे होगा। अच्छा हाँ कपड़े भी तो धोने के लिए पड़े हैं, मैं देख कर आती हूँ, तू एक काम कर, ये सब्जी काटने के लिए मम्मी को पकड़ा दे और तू ना आटा गूंथ ले। ये होशियारी मेरे साथ मत करना बहू, मुझसे तो उम्मीद भी मत करियो सब्जियां काटने की, मेरी सीरियल का वक्त हो रहा है, मैं चली टीवी देखने। और दोनों काम अपनी देवरानी पर डालकर गरिमा फौरन कोना पकड़ लेती है। फटाफट सब्जी काट लेती हूँ फिर आटा गूंथ देती हूँ। निशा फटाफट सब्जियां काट कर सब्जियां चढ़ाने के लिए चढ़ा देती है और आटा गूंथ देती है, और फिर जाती है अपनी भाभी के पास जो एक एक कपड़े को खोल खोल कर वॉशिंग मशीन में डाल रही थी और बेकार में ही टाइम वेस्ट कर रही थी। आप अभी तक यही हो भाभी? वही मैं कह रही थी कि मैंने तो आटा भी गूंथ दिया, अब तो आप रोटियां बेलो। देख तू भूल गई ना मैंने क्या कहा था, मेरी कलाई में मोच है, अब उससे जब मैं रोटियां बेलूंगी तो दर्द बढ़ सकता है ना, जरा से काम के लिए लंबा लिफाफा हो जाएगा, फिर मैं जो इतने काम कर रही हूँ ना वो भी नहीं कर पाऊंगी, सारा प्रेशर तुझ पर आ जाएगा निशा। इतने सारे कपड़े भी पड़े हैं क्या बताऊं, एक एक कमरे में जाकर कपड़े उठा उठा कर लाना फिर मशीन में डालना। अच्छा तू ना टाइम वेस्ट मत कर, तू नाश्ता देख मैं कपड़े धो लेती हूँ। ये कोई काम है क्या फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े डालकर धोना? निशा छोटी बहू थी तो वो ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी, इरिटेट होकर निशा किचन में चली जाती है और सभी के लिए नाश्ता बना देती है। अब जब सबने नाश्ता कर लिया हो तो धोने के लिए बर्तन तो हो ही जाएंगे, अब बर्तन धोए कौन, पूरी की पूरी डस्टिंग बाकी है, ये शांति माँ को भी अभी जाना था। वो तो गई सो गई, मेरे हाथ में मोच आ गई सो अलग, बस काम करते चलती हूँ मैं, अभी भी काम कर ही रही हूँ, बस ज्यादा रिस्ट मूवमेंट का काम नहीं कर पा रही हूँ। उधर देख ऊपर कैसे जाले लगे हुए हैं, हाय तो कह रही थी ना मैं बेकार में लड़ती हूँ, देख इस शांति माँ के काम को कैसे सफाई करती है, ये सब ना 2 मिनट का काम है, मैं ही कर देती निशा, पर तू जानती है ना मेरी कलाई की हालत, अगर झाड़ू उठाकर मैं जाले हटाने गई और झाड़ने की वजह से मेरे हाथ में मोच आ गई तो। तू एक काम करना, तू जाले उतार दे बाबू और उसके बाद ना मैं वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर दूंगी। आज तो वैसे ही इतना काम है करने को भाभी, तो एक्स्ट्रा क्यों करे, 2 दिन बाद शांति माँ आती है ना तो मैं उसे याद से जाले हटवाती हूँ। अरे ना ना बेटा ऐसे कैसे, आज शाम को ही मम्मी जी की किटी पार्टी है
और तू तो उनकी सहेलियों को जानती है ना, किसी ने भी जाले देख लिए ना तो 100 बातें बनाएंगी कि गरिमा तो सालों से इस घर में काम करती आ रही है, आज तक कभी जाले नहीं दिखे, छोटी बहू के आते ही जाले आ गए, इसके पैर शुभ नहीं है, वगैरह वगैरह। अब बोलने वाले का मुंह तो नहीं पकड़ सकते ना हम। और ऐसे ही कर करके एक एक काम गरिमा अपनी देवरानी से करवा लेती है। शाम के वक्त पुष्पा की सहेलियां किटी पार्टी के लिए घर पर आती है और उन्हीं के साथ गरिमा हॉल में बैठकर ठहाके लगाने लगती है। अरे सीमा आंटी जी, अब आई हैं आप, देरी नहीं कर दी। आंटी जी पहचाना आपने, ये मेरी देवरानी। अरे जाओ तो निशा, सभी आंटियों के लिए जूस तो लाकर दो। अरे कोई बात नहीं बेटा, अभी तो उसने समोसे लाकर दिए हैं, वो भी सोचेगी कि मेरी सास की सहेलियां कितना खाती हैं, पता चला फिर यहाँ दोबारा किटी होने ही नहीं थी। अरे तो क्या हो गया आंटी जी, आप ही का घर है, जितनी देर किटी पार्टी चल रही है आप लोगों का मुंह खाली नहीं रहना चाहिए। जाओ जाओ बेटा, और एक काम करो, गर्मा गर्म पकौड़िया भी उतार लो, चिप्स वगैरह भी रख लेते हैं। हाँ, गरिमा उठकर साइड से निशा के पास जाती है और धीरे से कहती है, क्या करूँ निशा, ये ना थोड़ी चोच के बाजी करनी पड़ती है, अब मैं यहाँ नहीं बैठी रहूंगी ना तो पता नहीं पीठ पीछे आंटियों से मम्मी तुम्हारी क्या चुगली कर दे, मैं यही हूँ तू किचन देख ले। अपनी देवरानी को किचन में भेज कर यहाँ गरिमा सभी से कुछ और ही कह देती है, क्या करूँ आंटी जी परेशान हो गई हूँ, वो मेरी काम वाली चली गई ना, सुबह से 500 काम रहते, अब जाकर बैठी हूँ। अब बेचारी निशा पर भी तो कितना काम डाल सकती हूँ, उसने ही बोला अब आप बैठो भाभी, मैं किचन देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है बेचारी से कर रही है, सीख जाएगी धीरे धीरे। और किचन के दरवाजे पर खड़ी निशा ये सुनते ही शांति माँ को कॉल करती है, हो गया तेरा ड्रामा, ले ली छुट्टी, अब मैं तेरी और मदद नहीं कर सकती, तुझे पता है तेरे पीछे भाभी ने मुझे कामवाली बनाकर रख दिया है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, कसम से मुझे पता नहीं था कि भाभी इतनी मीन है, इसीलिए तो मैं वहां थी तो ये सारा का सारा टेंशन मुझ पर आ रहा था भाभी, वो तो आपके घर में पिछले 20 सालों से काम करती हूँ मैं, इसलिए निकल नहीं पा रही थी, भला हो आपका जो आपने मेरी मदद की, आइडिया काम कर गया आपका, चलिए अब ना आप भी प्रेशर कुकर मत बनिए और अभी के अभी बाहर जाकर सभी से कह दीजिए कि मेरे मायके से फोन आया है और निकल जाइए हफ्ते भर की छुट्टी के लिए, सब कुछ घर की बड़ी बहू पर आ जाएगा तो आपकी जिठानी वो से ज्यों की त्यों होती दिखेगी। और शांति माँ के फोन को कान पर लगाए निशा बात करते हुए हॉल में आती है, ऐसे कैसे गिर गई मम्मी आप, अब टेंशन ना लो मैं तुरंत आ रही हूँ, भाभी सुना आपने मम्मी का कॉल आया है, मुझे अपने मायके निकलना होगा, गैस पर कढ़ाई चढ़ी हुई है, आप सब संभाल लीजिएगा, माफ कीजिए आंटी जी मुझे निकलना होगा। अब ऐसी इमरजेंसी आएगी बेटा तो निकलना ही पड़ेगा ना, जा जा बेटा बिल्कुल जा। 2 मिनट के अंदर अंदर ही हफ्ते भर के कपड़े पैक करके निशा अपने मायके निकल जाती है और उधर शांति भी अपना नंबर ऑफ कर देती है। फटाफट सीमा जल्दी पकौड़े लेकर आ, और तूने जो चिप्स कही थी ना वो चिप्स भी लेकर आना, और सीमा ये बता डिनर में क्या करवा दूं, फ्राइड राइस दम आलू क्या खाएंगे सब। अरे नहीं नहीं पुष्पा, तब तो किटी ही खत्म हो जाएगी। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, अब घर जाकर तुम सब खाना बनाने बैठोगे क्या, यही खाकर जाओ और बच्चों को भी लेके आना। 2 घंटे बाद, बेटा एक पूरी लाई। पसीने से लथपथ कांपते हाथों से जैसे ही गरिमा सीमा को पूरी देने जाती है वही चकरा कर गिर जाती है। अरे बहू। अरे तो फिक्र मत कर, खाना खा चुपचाप, सबसे काम करवाने वाली ने आज 2 पूरियां जो बेली है ये तो होना ही था। राधा को देखने लड़के वाले आते हैं, लड़के वालों में मेन होती है लड़के की माँ। हाय रे माँ, ये मेरी होने वाली सास का पेट इतना बाहर क्यों है, कहीं ये बच्चा तो नहीं देने वाली। अरे चुप कर, भला लड़के के लिए दुल्हन देखने आई है, वो औरत प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। माँ पता कर लेना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं गई दुल्हन बनकर और बना दे मुझे घर की दाई, सास की केयरटेकर, ना जी ना। ठीक है तेरा ये वहम भी मैं दूर कर देती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मत पूछना, बुरा लग जाएगा ना, और राहुल जैसा हैंडसम लड़का मेरे हाथ से निकल जाएगा। अच्छा अच्छा कोई जुगत लगाती हूँ। माँ बेटी अभी बात कर ही रहे थे कि राधा की होने वाली सास कहती है। क्या माँ बेटी में खुसर पुसर चल रही है, सब ठीक तो है ना।
हाँ हाँ, वो क्या है ना, हम लोगों का 4 मंजिला मकान है। चलिए ना, ऊपर छत दिखाती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर ने बिल्कुल सीढ़ी चढ़ने को मना किया है, और आप तो जानती है ना ऐसे समय में कितना मुश्किल होता है। आप तो अब बेटी ब्याहने निकली है तो इतना तो जानती ही होंगी। जानती तो राधा की माँ सब है, लेकिन जानना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसे समय में मतलब कैसे समय में, क्या हो गया बहन जी? होने वाली सास पेट की ओर इशारा करके कहती है। देख रही है कैसे बाहर आ रहा है, अब इसे लेकर कैसे छत पर जाऊं। अच्छा ये बताइए, कितना पड़ी है राधा? नर्सिंग का काम तो आता है ना? हाय रे, राधा की सांस तो इसी सवाल पर अटक जाती है। मन तो करता है कि अभी कह दे, शर्म नहीं आती बहू का जच्चा बच्चा कराने की उम्र में खुद पेट फुलाकर घूम रही है। लेकिन तभी पास बैठी प्यारे से राहुल पर नजर चली जाती है। हाय, भला इतना प्यारा लड़का कैसे छोड़ सकती थी राधा। ठीक ही तो कह रही है माँ सासू माँ, कैसे वो ऊपर जाएंगी? तुमने 4 तल्ले का मकान तो बनवा लिया, लेकिन एक लिफ्ट नहीं बनवाई। और सासू माँ, सॉरी आंटी, मैं ना नर्सिंग का पूरा काम जानती हूँ। बच्चा पैदा करवाने से लेकर बच्ची की सारी देखभाल तक का जिम्मा अकेले ले सकती हूँ। अरे एक हाथ से बच्चा उछाल कर बेड की चादर भी बिछा सकती हूँ। और तो और माँ जी, मैं तो अरे बस 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 कर बेटा, रुलाएगी क्या? हाँ, मुझे फिलहाल ऐसी ही लड़की की तलाश थी, तो रिश्ता पक्का है जी। मैं तो आज ही शगुन देकर घर ले जाऊँ। जरूरत तो समझ लो इतनी है घर पर क्या कहूँ। बेटा तू ना ये शगुन की साड़ी, मिठाई और कैश पकड़, समझ ले किसी भी समय तेरी बारात आ सकती है। राधा भी राहुल को देखकर खुश हो जाती है कि वाह जी वाह, सारी सहेलियों में सबसे सुंदर दूल्हा तो मेरा ही होगा। लेकिन सास का क्या करे, वो ख्यालों में डूबी थी कि कान में आवाज आती है। हमें तो रिश्ता मंजूर है जी, अब आप ना शादी की तैयारी करें। सभी जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी होने वाला ससुर सास का हाथ पकड़कर कहता है, अरे लाजवंती आराम से, पता है ना ऐसे वक्त में अपना ख्याल रखना चाहिए, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते, आज कुछ हो जाए तो जीवन भर अफसोस करती रह जाओगी। क्या क्या बोले भाई साहब, कैसा अफसोस? अरे अभी तो जश्न होगा जश्न, तब तक तो ठीक रहना है कि नहीं? सभी चले जाते हैं। जाने के बाद राधा के घर के सारे लोग साथ बैठते हैं। बेटी बड़ी भाग्यशाली हो तुम, जो राहुल जैसा लड़का मिल रहा है। राधा की माँ, सब तो ठीक है लेकिन मेरे मन में एक सवाल था। राधा की माँ को लगता है कि राधा के पिता को भी लग रहा है कि राहुल की माँ प्रेग्नेंट है। वही सवाल तो मेरे मन में भी कौंध रहा है, पता नहीं कैसे होगा। राधा के पिता को लगता है कि उन्हें जैसे चिंता है कि न जाने वो लोग दहेज में क्या मांग ले, शायद यही चिंता उसकी माँ को भी है। अरे ठीक है, एक बार की बात है, कौन सा कोई हर साल करता है। माँ को लगता है कि बच्चा एक ही बार होना है। अरे माना, लेकिन अब कैसे होगा, बेटी हमारी कहीं परेशान ना हो जाए। अरे ऐसे कैसे, नाना कुछ नहीं होगा, चिंता ना कर, शादी की तैयारी कर। राधा सबकी बात सुन रही होती है, उसे लगता है कि पापा कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि उसकी शादी ऐसे घर में करवा दे जहाँ सास प्रेग्नेंट है। माना मैं लड़की को देखकर लट्टू हो गई, पर पापा, पापा को क्या हो गया है? खैर मुझे क्या, मैं चली सोने। राधा सोने चली जाती है कि तभी राधा के कान में राहुल की आवाज आती है। सामने राहुल खड़ा होता है। राधा, ओ राधा कहाँ, उठो, तुम बोल रही थी ना तुमको जच्चा बच्चा का पूरा काम करना आता है। सामने राहुल को देखकर राधा हैरान रह जाती है। हाँ लेकिन तुम अभी अभी तो गए थे, क्या हो गया? देखो राधा, हम लोगों के पास वक्त नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहले माँ से तो बात कर लूँ। नहीं नहीं अभी वक्त नहीं है, मैं पापा को बोल दूंगा, तुम्हारे घर वालों से बात कर लेंगे, फिलहाल चलो मेरे साथ। राहुल राधा का हाथ पकड़ता है। अपने हाथ में राहुल के हाथ के स्पर्श से राधा तो मानो सब भूल जाती है और राहुल के साथ उसके घर आ जाती है, जहाँ सास दरवाजे में आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। आ गई बहू, आ जा बेटा, ले चिन्नी सर पर रख ले।
अब बस अपने ही घर में रहना बहू। राधा राहुल को देखती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन राहुल उसे देखकर मुस्कुरा देता है। राधा घर में जाती है जहां औरतें उसका स्वागत करती है। घर में गाना बजाना होता है और एक बुढ़िया आती है। इनके पैर छू लो, ये मेरी दादी है। दोनों दादी के पैर छूते हैं कि जीती रह बस बहू, अब तो मेरे घर का चिराग तेरे ही हाथ में है। राधा दादी सास की बात सुनकर शर्मा जाती है। क्या है ना, अब तेरी सास से काम नहीं होता, नौवा महीना लग चुका है, मैं भी ठहरी बूढ़ी, तो अब तू ही इस घर के चिराग को आने में मदद करेगी। बहू तू तेरी सास का अच्छे से ख्याल रखना, खूब सेवा करना उसकी, और भगवान से मांगना कि एक बेटा हो जाए तो घर को एक और चिराग मिल जाए। क्या सासू माँ प्रेग्नेंट? तभी सास आ जाती है। हाँ बहू, वो क्या है ना, मेरी सास को दो पोतों की कामना थी, लेकिन राहुल के बाद मुझे कोई बच्चा ही नहीं हो पाया। लेकिन हम जानते थे कि दादी की आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी जब राहुल को कोई भाई नहीं आ जाता, और शायद उन्हीं के आशीर्वाद से अब मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। अब घर के काम करने और मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम लोगों ने राहुल की शादी की सोची। वो क्या है ना, तुम्हारी माँ को तो मैंने बोला था कि आज ही चुन्नी चढ़ा कर ले जाते हैं, लेकिन वो नहीं मानी, तो मैंने राहुल को भेज दिया। ठीक किया ना बेटा? राधा सास की बात सुनकर हैरान परेशान हो जाती है। हाँ वो तो ठीक किया, लेकिन मैं क्या बोलूं? तभी ससुर आ जाते हैं। अरे लाजवंती, कब तक खड़ी खड़ी बात करेगी, तेरे पैर सूज गए। अरे ओ बहू, जरा सासू माँ के लिए बाल्टी में गर्म पानी ले आओ, पैर डुबा कर बैठेगी तो आराम मिल जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, हाँ ठीक है मैं लाती हूँ, लेकिन राधा कहना चाहती थी कि कम से कम एक दिन तो नई बहू की ठाट ले लूं, लेकिन नहीं। पता है तुम क्या कहना चाहती हो? राधा चैन की सांस लेती है कि कम से कम पति तो उसे समझ रहा है। माँ इसे क्या पता कि किचन कहाँ है, बाल्टी कहाँ से लेनी है और पानी गर्म कैसे करना है, मैं बता देता हूँ, चलो आओ। हाय रे, राधा की फूटी किस्मत, ना भारी लहंगा मिला ना मेकअप आर्टिस्ट से टचअप, सीधा किचन में गर्म पानी की बाल्टी के साथ खड़ी थी हमारी राधा। अरे क्या सोच रही हो, सोचती बहुत हो तुम, मैं देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, किस्मत पर खुश हो रही हो ना कि अभी तो लड़का देखने आया और अभी ये तुम उसके साथ उसके घर में हो। हाँ सही कहा, किस्मत के बारे में ही सोच रही थी। राधा गर्म पानी लेकर सास के पास जाती है। उनके पैर गर्म पानी में डालकर जा ही रही थी कि अरे बेटा थोड़ा मसाज कर दे सास को, देख रही है ना पैर कैसे सूज रहे हैं। बहू वो जच्चा के लड्डू बनाने तो आते हैं ना, क्या है ना काफी साल बाद बच्चा होगा, तो जरा 50 किलो लड्डू बना देना। 50 किलो लड्डू? हाँ बेटा, और वो क्या है ना, मेरे कपड़े, बच्चे के कपड़े, सबका ना बैग बना लेना, कभी भी अस्पताल को भागना पड़ सकता है ना। बस माँ को बच्चा हो जाए फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा, फिर रहना वहाँ आराम से। कैसी बात कर रहे हो बेटा? राहुल बच्चा होने के बाद का काम कौन करेगा? अरे उस बच्चे को सुलाना, खिलाना, पिलाना, सुसु, पॉटी। राधा ये सब सुनकर जोर से चिल्ला पड़ती है। नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती ये सब, मुझे घर जाना है, मैं घर जाऊंगी, मुझे नहीं करनी है ऐसी शादी वादी। राधा जोर जोर से चिल्ला रही थी और सामने खड़े थे उसकी मम्मी और पापा। अरे क्या हो गया, अभी तो शादी को हाँ हुई है, अभी शादी नहीं करनी तुम्हें? इसकी सास का फोन आया था, कह रही थी कि उनके पेट में पथरी का ऑपरेशन है तो ठीक होने में 2 महीने लग सकते हैं, तो शादी की 2 महीने बाद की ही डेट रखे हैं। देखा नहीं था पथरी के मारे कैसे फूल गया था पेट। पथरी? पथरी है उनको? हाँ वो बता तो रही थी। क्यों क्या हो गया बेटा? हाँ कुछ नहीं। तो क्या बोलूं कि लड़की शादी के लिए मना कर रही है? अरे नहीं नहीं पापा, मना नहीं कर रही हूँ।